मॉर्निंग, सुबह हो गई। आज क्या पता? ओह आज तो महाशिवरात्रि है। क्या अभी तो मैं सो के उठ रही हूँ। पहले तो हैप्पी, हाँ आज फास्ट भी है, पहले तो हैप्पी महाशिवरात्रि। अच्छा क्या क्या प्लान है? अभी तो सो के उठ रही हूँ, ये बता दे, अभी तो नहाने के बाद बताऊंगी कि क्या प्लान है। तो फ्रेंड्स अभी जल्दी से उठकर हाथ मुंह जल्दी जल्दी धोकर नहा धो के आज मैं आपको मंदिर के दर्शन कराऊंगी, जो कि हमारे कॉलोनी में ही है, मतलब हमारे ही नियर बाई ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ लेके चलूंगी शिवजी जी के मंदिर में, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। और फ्रेंड्स आप, मैं आपकी महाशिवरात्रि कैसी रही आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। होपफुली आपकी शिवरात्रि भी बहुत अच्छी रहे, भगवान जी आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दे इस महाशिवरात्रि पे। तो पूजा की तैयारी मैंने कर ली है, दिया विया जला के थोड़ा सा अपनी कान्हा जी की आरती कर, मतलब कान्हा जी की पूजा करके फिर चलेंगे हम मंदिर की तरफ। तो मंदिर की तरफ मैं निकल गई हूँ। थोड़ा सा पहले फूल वगैरह लेंगे। अंकल 10 रुपए का पैक कर दो। अरे वो हो गए छोटे, 10 के कर दियो। अरे डाल दो आप ऐसे। चलिए मंदिर की तरफ। जय शनि महाराज। मंदिर के स्टार्ट होते ही सबसे पहले शनि महाराज का मंदिर है, फिर यहाँ पे ये शिवजी जी का मंदिर है। आज तो काफ़ी भीड़ लगी हुई है, बट हम अभी अर्ली मॉर्निंग आ गए। अर्ली मॉर्निंग इन द सेंस कि हम 7:30 बजे तक आ गए हैं मंदिर में, तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। अभी थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। यहाँ शिव जी, यहाँ मंदिर के अंदर ज़्यादा भीड़ ना लगे, इसलिए जो यहाँ के पंडित जी थे वो हमें कह रहे थे कि आप जल्दी जल्दी पूजा कर लीजिए और ताकि भीड़ ना लगे, क्योंकि आज के दिन बहुत सारे लोग मंदिर में आते हैं। वैसे बात सही भी है, हमने मतलब श्रद्धा तो दिल में होनी चाहिए। हम दिया जला दिया है, भगवान जी की, भगवान जी का आशीर्वाद ले लिया है, तो हमने भी जल्दी जल्दी पूजा करके बाहर की तरफ निकल गए ताकि भीड़ ना लगे। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है कि पंडित जी बोलते जल्दी जल्दी निकलो जल्दी जल्दी निकलो, क्योंकि भीड़ लग जाती है तो फिर वो मतलब ठीक नहीं है। वैसे भी कोरोना टाइम चल ही रहा है। तो ये है माँ दुर्गा, ये है हनुमान जी। हनुमान जी मेरे सारे व्यूवर्स को बहुत सारा आशीर्वाद देना और मुझे भी। जय शनि महाराज। ये पंडित जी हमें कलावा बांध रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं। आ चुके हैं मंदिर से, हमने हमारा सारा पूजा वूजा कर ली है, भगवान जी की पूजा कर ली है। अब मेरी जो फर्स्ट मील है, मतलब पूरे दिन की जो शुरुआत करूँगी मैं, वो है कोकोनट वाटर से। ये बॉडी को काफ़ी रिफ्रेशिंग कर देता है, तो इससे मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। मॉर्निंग के कोकोनट वाटर पीने के बाद अभी दिन के 12 बज गए हैं, तो सोचा कि अब कुछ फ्रूट्स वगैरह काट लेते हैं। तो ये फ्रूट्स आज सबका ही फास्ट है, ऑलमोस्ट हमारे घर में 3 लोग का फास्ट है, मम्मी पापा और मेरा। मोस्टली जब भी हमारी छुट्टी होती है तो हम दिन में फ्रूट्स काट के खा लेते हैं, क्योंकि हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। तो अभी इवनिंग हो गई है, अब हम भगवान जी के लिए भोग बना रहे हैं, खीर खीर बना रहे हैं। तो अभी इसको रख दिया है,
छोड़ दी। मैं अब इसमें दूध डाल देते हैं, चावल पक गए थे अच्छी तरीके से, बस अब खीर बनती रहेगी साइड में। और खीर के लिए अभी हम काटेंगे थोड़े से नट्स। खीर में जो हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे उसमें है काजू, बादाम और किशमिश, और ये थोड़ा सा नारियल। नारियल को काट के डालेंगे, वो थोड़ा लंबे लंबे काटेंगे, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए सासू माँ मुझे बता रही हैं कि कैसे बननी है खीर। वो खीर बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, बहुत अच्छी खीर बनाती है मम्मी। तो अभी हम सब भी थोड़ा थोड़ा नट्स काटने के लिए बैठ गए हैं, ड्राई फ्रूट्स। और मेरी सासू माँ जो हैं वो आटा गूंथ रही हैं, रात के मतलब अब डिनर का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बस अभी सब्जी भी तैयार होने। तो फ्रेंड्स आज का जो व्लॉग था वो महाशिवरात्रि स्पेशल था। मैंने पूरे दिन में जो भी मेरा रूटीन रहा है मैंने आपके साथ शेयर किया है सारी चीज़ें। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगी, और अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि मुझे ये करना चाहिए अपने वीडियो में, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा। तो आखिरी में मैं आप सबके लिए यही बोलना चाहूँगी कि आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आप सबकी इच्छाएं पूरी करें और आप सबको बहुत ज़्यादा खुश रहें, यही मेरी भगवान से आज की मतलब कामना होगी। तो फ्रेंड्स चलिए खाना तो बन चुका है, हम अब डिनर करते हैं और आप भी डिनर कर लीजिए। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।